नमस्कार, प्रणाम, गोर लगातनी। हम हई राजा, अरउआ देखतनी मैच बॉक्स। मैच बॉक्स के टीम जनता बोलती है कार्यक्रम में आज सिवान जिला के दरौली विधानसभा क्षेत्र के दरौली प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचल दिया, जहां पर आम जनता के बीच में काफ़ी आक्रोश बा। नेता जी लोग लगातार एकरा के अपना फेसबुक आईडी से, व्हाट्सएप आईडी से लगातार ट्रेंड करावता कि एजा के वीडियो साहब जे भी बा वहाँ के राजनीति में आवे के वजह से ज़्यादा भीड़ लगवावतनी। आरटीपीएस काउंटर पर केवल भीड़ लगाता, केवल काम कुछ नहीं खे होत। लगातार एजा लोग में ये आक्रोश बा, लगातार ये देखे के मिलत रहल। तो अन्य हते संदर्भ में आई हम बात करतनी, पता जाने के चाहत नहीं कि का सच्चाई बा, या खाली नेता जी लोग करता या ये सच्चाई भी बा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, जब भाई बात करते नहीं कुछ लोग बा। सबसे पहले आई भी आगे क्या दिक्कत बता। दिक्कत है कि सुबह से हम लोग आए हैं, लाइन में लगे हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 25 से अधिक रिसिप्ट नहीं मिल रहा है। कई दिन से होता रहो? 4 डेज से। 4 दिन से ही भाई आओ, चार दिन से काम नहीं करो, 4 दिन से यही भीड़ होता है। जी जी, काफी भीड़। आज तो तनी सैटरडे है तो बहुत कम है। अच्छा, आज भीड़ नहीं, आज कम बा। जी, फिर भी क्या करे आज बनी चाचा? निवास बनवा। निवास बनवा बनल हो? कहाँ है? भीड़ से भीड़ बा। आई ये संदर्भ में हम बात, आई ये संदर्भ में हम बात करे के चाहे जाके एगो बुजुर्ग, एगो बुजुर्ग बानी, वो बुजुर्ग से हम बात करे के चाहे। 4-5 दिन से होता नहीं बाबा? 4-5 दिन। 5 दिन से होता नहीं? कागज लेके का करे? कहल जाता कि कोरोना के समय बा, सोशल डिस्टेंसिंग बनावे के बा। का बोलो, सोशल डिस्टेंसिंग बनावे तो नहीं? सोशल डिस्टेंसिंग बनावे जैसा बनावे ढाका में हम जाते हैं, पैर में दर्द, पैर में दर्द बा, धक्का में जाते कि फिर भी ये लोग के बंद हो जाता बंद होता है। अधिकारी लोग कुछ कहता है? बंद होना कुछ नहीं, कुछ नहीं। राशन कार्ड 2 बजे से भूखने के भूखला के दिन आके यहाँ से वहाँ लाइन लग रहा है। हाँ, जीतिया के दिन है? जीतिया के दिन है। हाँ, ना बनल का तो 12 बजे से बनी ना, सब लोग चले 12 बजे के बाद ना बनला जा? ना बन कही जा तो सुनला नहीं है कि रोज बनेला, रोज काम होला ना। तो ये सब बंद हो गल पर कि 2 महीने के बाद बने। का नाम है राहुल? हमर ज्ञान के कहाँ घर हो? डुमरहर से रहुआ में निरोज। हाँ, 4 दिन से हम नहीं गए। क्या नाम है राहुल? हमर रुक्मिणी नाम है, पिपरहिया घर। पिपरहिया घर हो? क्या कौन काम से रोज आओ? मैंने राशन कार्ड बनल बा, आधार कार्ड जोड़े के। आधार कार्ड जोड़े के? हाँ, कितने एगो लड़की के नाम से आई। हाँ, कह बेर हम के आ तन जा तन जा, होते नहीं, होते नहीं है। चलिए ठीक बा। क्या नाम होता है? विश्वजीत राय। विश्वजीत जी, कई दिन से आओ तरह लगातार तू? हमने निवास के लिए अप्लाई किया था 19 तारीख को। हाँ, 19/8/2019 को। उसके बाद से मैडम ने हमारे निर्धारित समय पे निवास बना के दिया। उसमें इनका प्रत्येक दिन मतलब कि त्रुटि मिलता है। कहीं नाम पे अगर राय है तो उसको राय कर देंगे, कुमार है उसको कुमारी कर देंगे, अगर जगह का नाम है, गांव का नाम दूसरे जगह का उसका डाल देंगे। उसके बाद स्पेलिंग में मतलब स्पेल गलत रहता है, स्पेलिंग भी बहुत ज्यादा। उसके बाद से हमने EWS का दिया है, इसका देने का डेट है 31/8/2020 को। इसको देखिए, 31/8/2020 को है। हम इनके पास 5 बजे आए थे, दो दिन आए थे हम इनके पास 4:30 बजे के आसपास में। इनका निर्धारित समय है 3:30 से लेकर के और 4:30 तक। हम इनके पास आए थे, 3:30 में भी आए, 4:30 में भी आए। उसके बाद से इन्होंने बोला कि कल आइएगा, फिर अगले दिन भी आए हम 4:30 में इनके पास। तो ये बोले कि हमारे यहाँ अभी नहीं निकल रहा है, चेक करके मैं बताऊँ। इन्होंने चेक करके बताया तो मेरा ये EWS बन गया है। उसके बाद ये बोले कि बाहर से कंप्यूटर दुकान से निकलवा लीजिए। मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी चेक कराया, कंप्यूटर दुकान पर भी नहीं निकल रहा है। वो बोले कि वहीं से निकलेगा। और ये बार बार हमको, आज 5वां दिन हो गया, बार बार दौड़ रहे हैं। देखिए, 31 तारीख को मेरा बनने वाला है और आज तक अभी हमको दौड़ाया जा रहा है, प्रत्येक दिन का यही हाल है। उसके बाद निवास अगर बन के मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं जरूर 2-4 गलतियाँ रहती हैं। देख सकता नहीं कि लगातार जब विरोध होता, लगातार जब ये बात उठता कि कोनो काम नहीं खे हो, जब हम मैच बॉक्स की टीम अभी वीडियो साहब के चैम्बर के सामने भी आ
चैम्बर के सामने ही कुछ लोग का नाम का दिक्कत बता रहा। अरे 11 बजे से हमने क्या बता नहीं सर अभी जमा ना भाई से भूखे पिया से पानी सन 11 बजे से हमने की लाइन से होता रहा 5 दिन से आ जावत नहीं हम 5 दिन से होता का नाम है राहुल कुमार पटेल कहां घर दरौली दरौली रहुआ का समझ लेना संजय मिश्रा आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए हुए हैं 11 बजे से और 2 बजे बोलता है लोग कि समय खत्म हो गया अब नहीं बनेगा। अच्छा 11 बजे कोई दिन शुरू होता नहीं रहता 2 दिन से हाँ ठीक है खुलवाइए खुलवाइए हेलो लेके चलो बरोबर देखा नहीं हो कि एगो वीडियो लगातार ट्रेंड करता है फेसबुक पर व्हाट्सएप पर कि दरौली के वीडियो के पत्नी उम्मीदवार बड़ी आ वीडियो साहेब अपना पद के अपना पावर के लगातार दुरुपयोग करके लोग के भीड़ इकट्ठा करता रह दिखावे कोशिश करना कि टीपीएस पर आई जब मैच बॉक्स की टीम टीपीएस काउंटर गई लिया तो देखला से कुछ काफ़ी अधिक भीड़ रहल काम ना होत रहल आ एगो भाजपा के प्रबल दावेदार शर्मानंद राम जी भी अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप के ग्रुप से एगो आरोप लगाओ तनी कि वीडियो साहेब एजा के जनता के बरगड़ावे के कोशिश करता नहीं। इस संदर्भ में आई हम बात करता नहीं दरौली विधानसभा क्षेत्र से शर्मानंद राम जी से जी क्या कहे के चाहें जौन लगातार स्टेटमेंट वीडियो साहेब के आवत है फेसबुक के माध्यम से ट्रेंड करता। सबसे पहले हम रउआ लोगिन के चैनल के माध्यम से रउआ लोगिन के धन्यवाद देतनी आ दरौली विधानसभा के सम्मानित जनता के भी हम धन्यवाद देवे के चाहतनी। देखी बात यहाँ बा कि वीडियो साहेब के पत्नी उम्मीदवार बने वाला बड़ी लोजपा से ई चर्चा के विषय बा आ ये चर्चा के विषय बा कि वहाँ के जब राहत कार्य लॉकडाउन में राहत कार्य वहाँ के बटनी तो दोनों आदमी प्रेस के सामने रहे एटीएन न्यूज के जौन चैनल चलत रहे वो में दोनों आदमी सामने रहे तो का हम ई जाने के कोशिश कर सकता नहीं कि आखिर जब उस सरकारी राहत कोष रहे तो वहाँ के पत्नी के नाम ऊपर काहे लिख रहे वहाँ के पत्नी के नाम ना लिखे रहे के चाहिनू आ दोनों आदमी एकदम सामने रह के वीडियो साहब बगल में रहनी आ वहाँ के पत्नी भी बगल में रहनी वहाँ के पत्नी इंटरव्यू देत रहनी चैनल वाला लोग पूछल कि रउआ भाजपा से बहुत काफ़ी प्रभावित बानी आ भाजपा के रउआ कार्यकर्ता बानी लेकिन ऐसा कुछ नहीं थे वहाँ के मेंबर भी नहीं थी और भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं थी वहाँ के लोजपा खातिर अपन प्रयास में लागल बानी आ लॉकडाउन में वहाँ के काफ़ी अनियमितता बरतले बानी जल नल में काफ़ी अनियमितता भइल बा वहाँ पर जांच बैठे के चाहिए वहाँ के जांच होके के चाहिए ई हमार उच्च अधिकारी से यहाँ के SDO साहब से यहाँ के DM साहब से कमिश्नर से और चुनाव आयोग से हमारा आग्रह बा कि उनका के जांच कर जाओ कि वास्तव में ये राजनीतिक लाभ लेवे खातिर ऐसा करता नहीं। तो क्या माना जाओ कि दरौली वीडियो अपना कुर्सी के दुरुपयोग करता रहन जी वहाँ के अपना कुर्सी के दुरुपयोग करता नहीं जब हमारा लगे वीडियो वायरल भइल वहाँ के जनता हमारा के वीडियो वायरल कैलस तो कहत रहे कि कोई वो महिला वो गर्मी में गिर गई है बेहोश होके हमारा लगे जब वीडियो गई तो हम SDO साहब के फ़ोन कैनी SDO साहब से पूछनी कि का ये लॉकडाउन के बेला में ये लॉकडाउन के जौन समय चल रहा बा में भीड़ लगा के पूरा राशन कार्ड के कागज वसूलल जा सकता SDO साहब कहनी कि ना ये तो गैर कानूनी बा ऐसा नहीं क्या हो सकत
हम कहनी कि तब उनका पर कार्रवाई का हो सकता, आ तो आप वीडियो भेजिए और वीडियो के माध्यम से हम उनको उनसे पूछेंगे। तो हम वहाँ के वीडियो भेजनी आ वीडियो के साथ साथ कुछ हमारे स्टेटमेंट भी रहे जवन देहनी ओकरा बाद लागता कि वो काम वहाँ के बंद कर दिले बानी। अब एसडीओ साहब का पूछनी ये हमारा पता नहीं है। एक तरफ रहुआ कहता नहीं कि वहाँ के काम बंद कर दिले बानी, जबकि आज धरातल पर मैस्ट बॉक्स के टीम गई ली तो वजह यह मिलल हो कि आज भी लेडीज चार चार दिन पाँच पाँच दिन से लगातार आके लाइन में लागत रही राशन कार्ड खातिर। तो क्या कहल जाए एसडीओ साहब अनियमितता के पालन करते नहीं का? बिल्कुल अनियमितता के पालन करते रहनी। जमना समय में राशन कार्ड बनत रहे वो समय वहाँ के सुत रहनी, वो समय में कहाँ रहनी, वो समय में वहाँ के अपन जनता के जो बहुत बड़ा सेवक वहाँ के बनल बनी तो वो बेरा नु कार्ड लेवे के चाही, कार्ड के दरखास्त लेके आ गरीब लोग के कार्ड बनावे के चाही, आम लोग के कार्ड बनावे के चाही। ये समय में कहाँ कहीं तो ये समय में कार्ड बनत नहीं है, तो ये राजनीतिक लाभ लेवे खातिर काम हो रहा बा। तो अभी रोवा देखनी है दरौली विधानसभा के जौन लगातार प्रश्न उठा था कि बीडीओ साहब अपना पद के उपयोग करते नहीं चुनाव लड़े खातिर। सुने में आता कि यहाँ के पत्नी जी लोजपा के प्रबल दावेदार बनी आ वजह से यहाँ के चुनाव लड़े में, पर हम वहाँ से बात करने की कोशिश करनी है तो वहाँ के डायरेक्ट क्या सर कुछ कुछ कहे चाहे हम? नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। आगे बहुत सारे लोग नकारात्मक कुछ बातें भी बोलेंगे, कुछ लोग सकारात्मक भी बोलेगा लोग, लेकिन हम तो अपना काम करते जा रहे हैं। लगातार ऐसा कहल जाता कि रुआ डीपीएस पर लोग के बुला के प्रलोभन देता नहीं, काम करावता नहीं कि रुआ जैसे चुनाव लड़े के बाद गलत भीड़ लगावता नहीं है, अति में जाना गलत 10-20 पर वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चलाता रहे, ये गलत बात है। जिस किसी ने भी कहा है ये सभी लोग गलत कहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, जिस किसी ने भी कहा है सब गलत। तो क्या मानल जाओ कि गलत बात बा? लेकिन ऐसा कुछ लोग से हम बात करनी है, कुछ आम आदमी से बात करनी है जो लगातार परेशान होता रहा, उनका बारे परेशानी के बारे में क्या परेशानी, क्या परेशानी है बताइए। कई लोग बाकी लगभग 4 दिन से 5 दिन से 10-10 दिन से दौड़ता है, काम खातिर काम है जाने के होता है काउंटर पर खाली भीड़ जुटा हो जाता है। आरटीपीएस काउंटर के संबंध में अगर कुछ कहना हो तो मैं बता दूं कि मेरा पेंशन का काउंटर खुला हुआ है, जाति आवास निवास का भी काउंटर खुला हुआ है। निवास के लिए है लोग दौड़ रहे हैं, 5-5 दिन से नहीं बनाया, 5 दिन से निवास। तो थोड़ा सा आप सीओ साहब से बात कर लीजिए, क्योंकि जाति निवास और आय प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट्स ये सब सीओ साहब बनाते हैं, एक बार उनसे भी बात कर लीजिए क्या बताते हैं। मैं जानता हूँ कि आरटीपीएस खुला हुआ है, सभी लोग एप्लीकेशन भी दे रहे हैं और उनको जाति आवास और निवास भी मिल रहा है, और अगर किसी को दिक्कत है तो मैं आपके माध्यम से ही कहूँगा कि आवेदन लगाए और दिक्कत हो रही है तो एक बार सीओ साहब से भी बात करें। एक पैंडेमिक स्थिति है सर, पैंडेमिक स्थिति बा जो कोरोना के लेके बा कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे के बाद, जबकि हम अनि हो तो आरटीपीएस काउंटर होके ही अनि हो तो जब कोनो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं के हो, एक बारे में कहें। बार बार लोगों को समझाया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, थोड़ा आप भी पालन कर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अकेले हैं तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भीड़ भाड़ में जाते हैं, सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो मैंने सभी लोगों को कहा है कि बिना मास्क के नहीं आइए, क्योंकि बिना मास्क वाले को मेरे तरफ से कई लोगों को फाइन भी किया गया, हम फाइन भी किए हैं, और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और उसके बाद ही आप ऑफिस में, बाजार में या कहीं भी जाएं। हम लोगों ने लगातार कई दिन कई लोगों को फाइन किया है जो लोग बिना मास्क के ऑफिस में या बाजार में जा रहे थे। तो मैं आपके माध्यम से भी चाहूँगा कि यह बात जाए समाज में कि इस कोरोना दौर में अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर मास्क नहीं है तो गमछी से भी आप अपने मुँह नाक को जरूर ढक लें। तो क्या कहल जा रहा बा नज़र के सामने जो आरटीपीएस काउंटर पर भीड़ लागल बा ओकरा के इग्नोर कर जा सकता है? आरटीपीएस काउंटर पर हमेशा भीड़ रहती है, क्योंकि लोगों को जाति निवास आय प्रमाण पत्र या मोटेशन एलपीसी लेना होता है, या लोग पेंशन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, बहुत तरह का पेंशन होता है, तो इसके लिए तो आरटीपीएस खुली है, वो तो लोग आएंगे ही वहाँ पर एप्लीकेशन डालेंगे ही। हम आप मेरे गार्ड से भी पूछ सकते हैं, गार्ड लोग को भी मैंने अंचल गार्ड तो हम लोग लगातार वहाँ पर रखते हैं कि कम से कम आप देख लीजिए, हो सकता है आप उसी समय गए हो जब वहाँ से वो हटा होगा, ऐसा भी हो सकता है। लगातार
लगातार वहाँ पर गार्ड को रखा जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो जाए और लोग थोड़ा दूरी बना के रहें और मास्क या नाक को मुंह को ढक के तब वहाँ पर लाइन में खड़ा हो।